हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। ये आपका आज जो पेपर का डिस्कशन है, ये है टेस्ट सीरीज का माइनर 12 नंबर पेपर, और उसका जो टॉपिक है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो चलते हैं अपन लोग पहले क्वेश्चन पे। द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज टी जीरो, इट्स मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाई अनदर मैग्नेट हुज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज थ्री टाइम्स एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट इज वन अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ द इनिशियल मैग्नेट, व्हाट इज द टाइम पीरियड। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आपको मालूम है कि जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है उसके टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका टी इज इक्वल टू 2π√i/mv। आई यहां पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। तो यहां से हमारे पास क्या बना, टी वन अपॉन टी टू, ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आई वन अपॉन आई टू इन टू एम टू अपॉन एम वन। सबको बात बेटा समझ में आ गई। आई वन अपॉन टी वन अपॉन टी टू जस्ट इक्वल टू अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू इन टू रूट एम टू अपॉन एम वन। अब देखिए, I1 पहले हमारे पास मान लिया I था, और पहले हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है, T0 है। मतलब T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, T0 है। अब आपको T2 मान लो निकालना है। पहले हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I है, अब वो क्या कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स थ्री टाइम्स, तो थ्री टाइम्स का मतलब क्या हो गया, थ्री आई इन टू एम वन हमारे पास कितना है, कैपिटल M है, और M2 हमारे पास क्या हो गया, M अपॉन 3 हो गया। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 T नॉट। तो देखो बेटा, 3 T नॉट किस में है, 3 T नॉट आपका आंसर फर्स्ट में दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट विल बी करेक्ट। ओके बेटा, सब ने नोट कर लिया, आप पूरी अच्छे से समझ लो कि हमारे पास t इक्वल टू पाई रूट आई अपॉन एम बी मेन फार्मूला होता है, उसके बेसिस पर हमने ये वैल्यूज रख दी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन ए मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज हीटेड देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस बाय 36% सो दैट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम्स। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसमें भी देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन दिए हैं पेपर में, कि यहाँ पर एक परसेंटेज वाला दे दिया और एक पीछे में हमने क्या दिया हुआ था कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मैग्नेटिक मोमेंट में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तब क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज में देख रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस 36%, तो 36% डिक्रीज हो गया, मतलब अब बचा कितना, अब बचा हमारे पास 64% बचा। तो भैया एम वन हमारे पास क्या था, एम वन था एम, और M2 क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 64% बचा, तो कितना हो गया 0.64 m, ये बच गया, ये हो गया M2 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मान लिया हमारे पास T1 बराबर क्या है, T है। अब T2 आपको निकालना है, फिर आप परसेंटेज आराम से निकाल सकते हो। तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, ये लिख सकते हो M2 अपॉन M1। तो T1 हमारे पास क्या आ गया बेटा, T आ गया, T1 क्या हो गया, T हो गया, और T2 आपको मान लिया कैलकुलेट करना है, और M2 क्या हो गया, ये हो गया 0.64 M अपॉन कैपिटल M, ये कैंसिल हो गया। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T अपॉन 0.8 आ गया। T इज इक्वल टू क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू
टी अपॉन 0.8। अब देखो, अब परसेंटेज में देखना है तो एक बात देखो ध्यान से कि यहां से टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम है। ये क्या बता रहा है कि जब एम की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, अगर एम हमारे पास डिक्रीज होगा तो टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज वाला ही कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब देख लेते भैया डेल्टा टी कितना हो गया, डेल्टा टी हमारे पास हो गया टी तो इनिशियल था और ये हो गया टी अपॉन 0.8, क्या आया तो यहां पर क्या हो गया 0.8 टी माइनस टी अपॉन 0.8 और ये हो गया डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अपॉन टी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 1/4 आ गया। अब इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25% ये आंसर आ जाएगा। तो 25% क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अब चूंकि दोनों ऑप्शन दिए हों, देखो ये भी दिया है ये भी दिया है, तो अभी हमने क्या बताया था कि जब m की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही हो तो t की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू आइडेंटिकल सॉल्ट बार मैग्नेट ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2d अपार्ट विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट मिड बे बिटवीन देम। देखो अब पहली बात तो यह समझना है कि यह किस सिचुएशन में रखा, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है यहां से और एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है ऐसे, जो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, कैपिटल एम इसका भी है और कैपिटल एम इसका भी है, विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से यहां तक इसके बीच की सेपरेशन क्या है, यह है 2d, यह है 2d है, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया, यह हो गया d, मतलब ये पॉइंट p हो गया हमारे पास, ये सेपरेशन हो गई d और ये हो गया हमारे पास d, ठीक है। अब मान लिया कैपिटल एम के डायरेक्शन हमारे पास ये है और इधर हमने कैपिटल एम के डायरेक्शन में मान लिया कि ये है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो जो ये पी पॉइंट है इस फर्स्ट वाले मैग्नेट के रेस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन पर है, फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में कहां पर है, एक्सियल पोजीशन पर है और ये फर्स्ट वाला जो मैग्नेट था और ये जो सेकंड वाला मैग्नेट है, फर्स्ट वाले मैग्नेट के रेस्पेक्ट में ये एक्सियल पोजीशन पर है और सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है। तो एक्सियल पोजीशन के लिए हमारे पास देखें तो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास B1, ठीक है। और इस इक्विटोरियल पोजीशन के लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल होता है, कैपिटल एम की डायरेक्शन इधर है, मतलब भैया B2 की डायरेक्शन इधर होगी। तो B1 इज इक्वल टू, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं,
कि ये एक मैग्नेट है हमारे पास ऐसे, इसमें कैपिटल एम की डायरेक्शन ये है, और एक मैग्नेट हमारे पास ये है, इसमें कैपिटल एम की डायरेक्शन ये है, इनके बीच की सेपरेशन ये 2D है, और यहाँ पर, यहाँ से D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और यहाँ से D डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये पॉइंट P देखिए, ये जो फर्स्ट वाला मैग्नेट है, इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सियल पोजिशन पर है, तो ये हो गया B1। तो B1 इज इक्वल टू आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब, 2m अपॉन आर क्यूब होता है। अब यहां पर ये जो दूसरा वाला मैग्नेट है, सेकंड मैग्नेट है, सेकंड वाले मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 इस तरफ आएगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होता है, ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो अब B2 की जो वैल्यू आएगी वो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन डी क्यूब, और B1 और B2 इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो B इज इक्वल टू आएगी, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। यहां पर देखिए B1 एक्सियल पोजिशन की वजह से है और B2 हमारे पास इक्वेटोरियल पोजिशन की वजह से है। एक्सियल पोजिशन में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है दैट इज जस्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड इन इक्वेटोरियल पोजिशन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जस्ट एंटी पैरेलल। मतलब क्या हुआ कि अगर कैपिटल एम की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो यहां पर बी की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट डाउनवर्ड होगी, 180 पर होगी, और अगर यहां पर एक्सियल पोजिशन पर है, अच्छी स्थिति में है, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो कैपिटल एम है और जो बी है इसके बीच में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, 0 रहेगा। ठीक है बेटा, तो सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब जब इसको हम वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास भैया क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आंसर नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 2m का स्क्वायर करोगे, फिर m का स्क्वायर करोगे तो 4m स्क्वायर आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर आएगा, 4m² ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5m² आएगा, तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल बॉर मैग्नेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ए टाइम पीरियड टी एट ए प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिफरेंस 60 डिग्री, व्हेन द सेम नीडल इज प्लेस्ड टू ऑसिलेट इन ए वर्टिकल प्लेन कॉन्साइडिंग विद द मैग्नेटिक मेरिडियन, देन व्हाट बी इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो पहले कहां पर है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, तो यहां से जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, वो था टी इक्वल टू पाई रूट आई अपॉन एम बी एच मान लिया पहले हमने, मान लेते हैं। ठीक है, और पहले टाइम पीरियड क्या है, टी है, चलो टी मान लिया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, टी टू, ये टी वन हमारे पास मान लिया टी है, और भैया टी टू क्या कह रहा है, ये 2π√i अपॉन एम, और अब कहां पे जा रहा है, बी वर्टिकल पर, कहां पर जा रहा है, बी वर्टिकल पर। ठीक है, अब इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा, टी अपॉन टी टू आ जाएगा, टी अपॉन टी टू इज इक्वल टू, देखो आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल, एम से एम कैंसिल, √bv/bh वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेन 60 आ जाएगा, टेन 60 मतलब क्या होगा बेटा, ये हो गया रूट, ये तो रूट ये आया, और इसका क्या हो गया, ये हो गया √3, तो यहां पर क्या आ गया, 3 पावर 1/4 आ गया। तो टी टू क्या आ जाएगा, टी टू इज इक्वल टू आ जाएगा टी अपॉन 3 पावर 1/4।
अब भैया देख लो कहां पर आ रहा है, समझ में आई बात, देख लो कहां पर आ रहा है आंसर, आंसर नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, आंसर टू विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, सभी ने नोट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से समझने की जरूरत होती है क्योंकि नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ विच ऑफ टाइप ऑफ मेटीरियल, तो ये आपको थ्योरी में समझाया जाता है कि जिसमें कोरिसिविटी लो हो और रिटेंटिविटी लो हो। ठीक है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरिसिविटी। ठीक है, धारणशीलता कम हो और चुंबकशीलता, सॉरी निम्न निग्राहिता भी हमारे पास क्या हो, निम्न हो, रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये दोनों कम होने चाहिए। तो इसमें ये जो कोरेसिव फोर्स लगा है इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आपको इतनी बात तो मालूम होनी चाहिए कि कोरेसिव है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर नंबर फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मीडियन द अपेरेंट डिप इज 30 डिग्री, फाइंड द ट्रू डिप, फाइंड द ट्रू डिप। अब देखो ट्रू डिप आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखिए बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच 10 सॉरी बी एच कॉस होता है, बी एच डैश इज इक्वल टू बी एच कॉस 45। तो हमारे पास क्या आ गया, तो बी एच डैश हमारे पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू बी एच अपॉन रूट टू। ठीक है, अब देखिए टेन हमें जो अपेरेंट टिप मालूम है, अपेरेंट डिप जो मालूम है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब यहां पर आ जाए टेन, टेन डेल्टा डैश बराबर बीवी अपॉन बी एच डैश। ठीक है, तो टेन डेल्टा डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, देखो बीवी, बीवी और बी एच डैश के जगह क्या रखा बेटा, बी एच अपॉन रूट टू, या क्या रूट टू, बीवी अपॉन बी एच क्या होता है, ये होता है टेन डेल्टा, और ये हमें मालूम है कितना दिया हुआ बेटा, टेन थर्टी इज इक्वल टू रूट टू टेन डेल्टा। 1030 मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल रूट 2 10 डेल्टा। तो यहां से हमारे पास जो 10 डेल्टा आया ये कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 6 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 1 बाई रूट 6। क्या आ गई वैल्यू, 10 इनवर्स 1 बाई रूट 6। तो आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट, आंसर टू विल बी करेक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से जब आप इसको देखेंगे
तो आपको कहीं पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। नेक्स्ट बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ए चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू, ये स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 किलोवोल्ट एंड एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इट इज देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलरली इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.2, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो अपने को क्या क्या मालूम है, ये भाई ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, और ये हमें स्पीड मालूम है, और ये हमारे पास क्या मालूम है 0.2 टेस्ला। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास जो E की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू क्यू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया ठीक है। तो यहां से आ गया 2qv अपॉन m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो जो q बाई एम आया ये क्या आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2v। तो q बाई एम हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 2v राइट। अब देखो जो हमें क्या निकालना था, रेडियस r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। यहां पर ध्यान से देखो m अपॉन q, m अपॉन q, यहां से देखिए अगर m अपॉन q हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2v अपॉन v स्क्वायर। तो 2v अपॉन v स्क्वायर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया 2v अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन बी, इसको ऐसे कट कर दो तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया 2v अपॉन वी बी ठीक है। अब देख लो सारी वैल्यू आपको मालूम है, यहां पर देखो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 2 × 12 × 10³ अपॉन वी कितना दिया हुआ है 10⁶ दिया है, 1 × 10⁶ दिया है, और b कितना दिया है, ये 0.2 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां से गया 0, तो एक पावर यहां पर आ गई 10, तो 10⁴ और यहां पर 10⁻⁻⁶ ये बचा, 2 से ये 2 कट गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया 12 × 10⁻², मीटर मतलब क्या आ गया इतना सेंटीमीटर आ गया, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इन द फिगर शोन द चार्ज क्यू मूविंग विद ए वेलोसिटी वी अलोंग एक्स एक्सिस इंटर्स इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट द चार्ज क्यू इज एबल टू इंटर इन द रीजन एक्स ग्रेटर देन बी, यहां वाले पे वो इंटर करे, यहां की बात करा। तो निकालना क्या है, हमें वी की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ वी। तो r इज इक्वल टू क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी होता है। तो यहां पर जो रेडियस बनी, इस रीजन की रेडियस हमें देखना है, तो अब इस रीजन की जो रेडियस होगी कितनी होगी, वो हमारे पास ये आएगी, ये कितना बना, ये हमारे पास आया b माइनस a, क्या है बेटा b माइनस a, ये तो हुआ। तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी करेंगे तो रेडियस हमें ये मालूम है, वेलासिटी मालूम करना है, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, आर की जगह हमारे पास क्या हो गया b माइनस ए। तो देख लो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टर ए बी ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए करंट आई टू, ये करंट आई टू है, इस पे इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई वन, देन द फोर्स ऑन ए बी, इस पर फोर्स निकलवा रहा है और यहां पर करंट फ्लो हो रही है इस वाले वायर में। तो यहां पर जब हमें करंट दी हुई है, यहां पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी है, इस रीजन में कहीं पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, प्रोड्यूस होगी, कौन से करंट की वजह से आएगी? मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है ए बी वायर पर, किसकी वजह से? ड्यू टू करंट आई वन, आई वन जो ये करंट जा रही है इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने मान लिया कि यहां से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है यहां पर जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ये होगा। अब एक छोटा सा पार्ट ले लिया यहां पे डीएक्स, एक छोटा सा पार्ट क्या ले लिया, डीएक्स ले लिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्वियसली इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी क्योंकि करंट ऐसे जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अब इस छोटे से पार्ट में हमारे पास जो फोर्स आएगा डी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ये करंट आई वन थी, इंटू आई टू इंटू डी एक्स, ठीक है। आई बी एल होता है, बी हमें मालूम है, ये इतना है। अब हमें बेटा फोर्स निकालना है, तो फोर्स कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, यहां से यहां तक की लेंथ है एल बाई टू और ये हमारे पास एल, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो गया थ्री एल बाई टू तक ये इंटीग्रेट करेंगे, तो L बाई टू से लेकर के 3L बाई टू तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू टू डी एक्स अपॉन एक्स, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू, ये हो गया लॉग E, ठीक है, X आएगा, लिमिट लगा दिया हमने 3L बाई टू टू एल बाई टू, थ्री एल बाई टू से एल बाई टू तक आ गया। अब इसको वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। बस इसमें केवल वैल्यू रखना है अपने को, अपने आप ही आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब देखिए, एक कंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, ये हमारा इस तरीके से ये बेंट किया गया है, और इसमें क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x दिया गया है, करंट कितनी फ्लो रही इसमें, i बराबर 2 एम्पियर फ्लो रही है, शोन इन द फिगर, द वायर इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो किस तरफ है, माइनस k की तरफ है, किधर की तरफ है, माइनस के की तरफ, मतलब ये आउटवर्ड डायरेक्शन पर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्स वाई सॉरी इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन पर, ठीक है। अब देखिए, अब ये फोर्स कह रहा है, तो फोर्स करने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास इस वाले इक्वेशन से निकल आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर टू है, तो 2 इंटू टू किया तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2, मतलब हमारे पास ये लेंथ क्या है, ये 2 आ गई और ये वाले भी क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो f इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास l, l इधर है, इधर से करंट इधर चल रही ना, तो ये क्या किया l क्रॉस b, l l क्रॉस b जब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है, I दिया है 2, अब ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये हो गई 4, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 4, तो कितना आ जाएगा 32, और डायरेक्शन अभी हमने क्या बताया, L क्रॉस B, थंब किधर जा रहा, प्लस की तरफ जा रहा,
तो 32 आई कैप ये बन जाएगा। ओके बेटा, चलते फिर आगे क्वेश्चन। इन एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ एल कैरीज ए चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट, द रॉड इज पिवोटेड एट इट्स एंड पॉइंट एंड इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी न्यू अबाउट ए फिक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द पिवोट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रॉड सिस्टम, इसके लिए कैलकुलेट करना है। तो यहां पर एक बात आपको मालूम होगी, एम बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम, ये फार्मूला होता है। तो m निकालना है आपको, तो q l अपॉन 2m, तो ये हो गया q अपॉन 2m, ये मास है। l l हमारे पास क्या हो गया, l इज इक्वल टू होता है i ओमेगा। i यहां पर जो रॉड है किसी एक पॉइंट के अबाउट जब घुमाई जाती है इस पॉइंट के अबाउट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस, ये हमारे पास होगी रोटेटिंग एक्सिस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहां पर क्या होगा, एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3, ओमेगा वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू। इस एम से एम गया, 2 से ये 2 गया, तो क्या आ गया पाई क्यू वी क्यू न्यू एल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन अरेंजमेंट ऑफ द 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कैरिंग द सेम करंट आई इज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी, इस वाले वायर पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले देखो, इसमें करंट आ रही आउटसाइड डायरेक्शन पे, इसमें करंट जा रही इनवर्ड डायरेक्शन, एक में करंट आउटवर्ड एक में करंट इनवर्ड ऐसे, एक में करंट इधर जा रही और एक में करंट हमारी तरफ आ रही ऐसे। तो ये क्या हो गया, दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन द करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन द फोर्स विल बी ऑफ रिपल्सिव नेचर। तो फोर्स कैसा रहेगा, यहां पर रिपल्सिव नेचर का रहेगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू एल, ठीक है, अपॉन आर, यहां पर आ जाएगा डी। फार्मूला मालूम है ना, मेन फार्मूला क्या लगा, एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वन आई टू एल अपॉन आर। अब यहां पे एल 1 मीटर कह रहा है, ठीक है, तो यहां पर एफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आ गई। अब देखिए, अब यहां पर ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन पर, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा कितना, एफ 2 इज इक्वल टू क्या लगेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन डी। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कितना है 120। अब ये जो ये एक वेक्टर ये है एक वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड आपके सेम है, तो हमारे पास उस कंडीशन पर आपको ये मालूम होगा कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सेम रहता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या रहेगा, वो भी हमारे पास यही रहेगा आई स्क्वायर अपॉन डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर अपॉन डी इसमें भी है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर डी इसमें भी है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 4th, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा देखिए एक बार फिर से, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर and magnetic field is this one, mu zero is the permeability of free space, r is the resistance and c is the capacitance. अब देखो, जब कोई कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, b के डायमेंशन लिखना शुरू किए, फिर r का लिखना शुरू किए, फिर c का लिखना शुरू किए, जबकि आपको ये स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है
कि एल सी की डायमेंशन, सी आर की डायमेंशन, ठीक है, आर सी की डायमेंशन, एल सी की डायमेंशन, एल अपान सी की डायमेंशन, ये कितनी होती है। तो उसी के बेसिस पर हमारे पास जो ये सी आर है, सी आर की डायमेंशन हमारी टाइम के डायमेंशन के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जो कि सी स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कितनी जल्दी आ जाएगा। और ये जो हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट है, ये होता है इनर्जी डेंसिटी। क्या होता है? इनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल क्यूब। अब इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका भैया मल्टीप्लाई कर लो, यही तो है, बाकी टू तो खत्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वन, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर हैज 30 डिविजन्स एंड सेंसिटिविटी 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिवीजन का में जो करंट है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 16 माइक्रो एम्पियर, ये हो गई सेंसिटिविटी। और भैया कितने डिवीजन है, दैट इज 30 डिवीजन, तो टोटल करंट कितनी है, पहले हम लोग ये निकाल लें। तो यहां पर जो टोटल करंट आई इस सेंसिटिविटी में 16 माइक्रो एम्पियर था, 10^-6 किया इंटू 30 किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 इंटू 3 इंटू 10^-5, ये इतने एम्पियर हमारे पास आ गया। अब वोल्ट मीटर कितना है, वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग कर रहा है, वोल्ट मीटर हमारे पास रीडिंग कर रहा है 3 वोल्ट का, वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग कर रहा है 3 वोल्ट का। तो अब V इज इक्वल टू रखा आई आर, V इज इक्वल टू 3, आई की जगह में 16 इंटू 3 इंटू 10^-5 आर, ठीक है। अब इसमें देखो 3 से ये 3 गया, यहां पर क्या गया 1/16 इंटू इधर आएगा 10^5, 10^5 को ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया 100 अपॉन 16 लगभग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 किलो ओम इन सीरीज। वोल्ट मीटर में हमेशा सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें एक सेंटर पर के लिए हमें क्या चाहिए, ये हमारे पास ऐसे मान लिया, ये रेडियस क्या है, ये रेडियस ए है, यहाँ पर चार्ज हमने ई मान लिया। अब यहाँ पे करंट निकालना था, तो आई इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, ई अपॉन टी करेंगे, आई इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, ई अपॉन टी करेंगे। अब टी कैसे निकलेगा, टी इज़ इक्वल टू 2π/ω होता है, तो यहाँ से आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ओमेगा अपॉन 2π हो गया। और सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू ए, तो म्यू नॉट अपॉन टू ए, ये क्या हो गया, ई डब्ल्यू अपॉन 2π, तो कितना आ गया, म्यू नॉट ई डब्ल्यू अपॉन 4π a, ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया, आंसर नंबर 4।
ए वायर कैरिंग करंट इज बेंट एज शोन एंड प्लेस इन द प्लेन ऑफ द पेपर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि ये लेंथ कितनी होगी। तो और ये मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना बन रहा होगा, सब एक से बात है 45 डिग्री बन रहा होगा। तो पहले तो ये देखो कितना बना, ये लेंथ क्या होगी, एल इज इक्वल टू क्या हो गया आर रूट, एल इज इक्वल टू क्या हो गया आर रूट टू, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन, एंगल कितना हो गया 45 दिया हुआ है, आई बी की जगह में बी है, एल की जगह में आर रूट टू है, और कॉस 45 की जगह में 1 बाई रूट टू हो गया। कैंसिल, क्या आ जाएगा आई बी आर, क्या आ जाएगा आई बी आर आ जाएगा, आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, विशेष तौर पे यहां पर जो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है, तो यहां पर जो एंगल होता है थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल, तो यहां पर बी ये दिया हो और एल ये दिया हो, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कन्वर्टेड इनटू द सर्कुलर लूप, देन व्हाट इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए हमारे पास ये कोई एक लूप है, स्क्वायर लूप एल 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 एल, तो अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका जो एरिया हो गया वो हो गया एल स्क्वायर, और जो एम हुआ वो हो गया आई एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एम के बिलो। अब आ गया, अब यहां पर इसकी रेडियस आर हो गई, तो टू पाई आर, टू पाई आर इज इक्वल टू ये सब ऐड हो गए तो कितना हो गया, ये हो गया 4L, 2 से 2 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 2L अपॉन पाई। अब एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया पाई R स्क्वायर, तो एरिया क्या हो गया पाई R की जगह में क्या हो गया 2L अपॉन पाई का होल स्क्वायर, तो E की जगह में क्या हो गया पाई अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 4L स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन पाई एल स्क्वायर ए। अब जो एम डैश हुआ, एम डैश इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो आई इंटू ए की जगह क्या हो गया 4L स्क्वायर अपॉन पाई, आई इंटू एल स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल एम, तो 4M अपॉन पाई क्या हो गया 4M अपॉन पाई, ये आपका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम पीरियड ऑफ ए बार मैग्नेट इन एन ऑसिलेशन मैग्नेट मीटर इज 2 सेकंड इफ द मैग्नेट इज कट इनटू 4 आइडेंटिकल पीसेस। ध्यान सुनिएगा, कितने पीसेस में 4। तो जब कभी भी इक्वल पार्ट्स में कटिंग हो उस समय जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू टी अपॉन रूट एन। यहां पर क्या कर देंगे, टी अपने पास क्या दिया हुआ है 2 सेकंड दिया है और एन क्या दिया हुआ है 4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 4 आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये आ गया 1, तो टी डैश कितना हो गया 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर लूप एबीसीडी दिया हुआ है, तो यहां पर कैरिंग करंट आई इज प्लेस नियर एंड कोप्लेनर विद ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, कैरिंग करंट आई, यहां पर ये करंट कैपिटल आई है और यहां पर ये इसमें स्मॉल आई है, स्मॉल आई, ये स्मॉल आई, ये स्मॉल आई, नेट फोर्स ऑन द लूप, इस लूप में नेट फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, यहाँ पर B1 निकाल लें, B1 इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई एल बाई 2, तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
अब यहां पर हम बी टू निकाल लें इस वाले पे, बी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई इंटू थ्री एल अपॉन टू, ये कैंसिल, कितना बना म्यू नॉट आई अपॉन थ्री पाई एल, ये बन गया। अब इस पर हमने फोर्स निकाला एफ वन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल आई बी वन एल, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई इंटू कैपिटल आई, ये कैपिटल आई था ठीक है, ये कैपिटल आई है यहाँ पर, ये कैपिटल आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, म्यू नॉट आई अपॉन वैल्यू रखनी है अपने को म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आई अपॉन पाई एल इंटू एल, एल से ही एल गया। ऐसे एफ टू निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन थ्री पाई आई इंटू कैपिटल आई अपॉन एल इंटू एल, इस वाले एल से ये वाला एल गया। यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एफ वन की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर ये एफ टू की डायरेक्शन ये होगी। अब इसमें और इसको दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर वन आ जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू कर लो। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड 2i प्लस एल्फा जे एंड इट इज इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, तो यहाँ पर a डॉट b क्या होता है, जीरो होता है, तो जरा डॉट प्रोडक्ट कर लो दोनों का जीरो, तो कितना आ जाएगा, या इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट किया तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर आ जाएगा, माइनस फोर प्लस टू एल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो टू एल्फा इज इक्वल टू आ गया फोर, तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया टू, एल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया टू, आंसर नंबर सेकेंड। अब देखिए ए सर्कुलर क्वाइल, ए सर्कुलर क्वाइल कैरिंग ए करंट आई इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्वाइल एज शोन इन द फिगर, तो देखो हमने अगर इसमें देखना है कि भैया ये एल के डायरेक्शन है, तो एल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई एल क्रॉस बी, एल इस तरफ है बी इस तरफ, फोर्स किधर जाएगी इधर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें सब जगह पर क्या रहेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन पर रहेगा, फोर्स क्या रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन पर रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, क्वाइल विल एक्सपेंड, क्वाइल विल एक्सपेंड। द वायर्स दैट सप्लाई करंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर आर 2 मिलीमीटर अपार्ट, वॉट इज द फोर्स पर मीटर बिटवीन द वायर्स, तो सबसे पहले करंट निकाल लो, तो I इज इक्वल कितना हो गया P अपॉन V, P कितना है 2 इंटू 1000 अपॉन 120, कैंसिल करो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 100 बाई 6, ठीक है, I इज इक्वल कितना हो गया P अपॉन V, P कितना हो गया 2 किलोवाट और V कितना हो गया 120, तो ये और थोड़ा सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा 50 बाई 3 आ जाएगा, 50 बाई 3 आ जाएगा, तो F अपॉन L इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू 10 एस पावर माइनस 7 I1 I2 अपॉन R, तो 2 इंटू 10 एस पावर माइनस 7 I1 मतलब 50 बाई 3 इंटू 50 बाई 3 अपॉन R कितना है, दैट इज 2 मिलीमीटर अपार्ट, 2 इंटू 10 एस पावर माइनस 3 कितना है 2 इंटू 10 एस पावर माइनस 3, तो ये सॉल्व करेंगे पूरा ये हमारे पास आ जाएगा 0.028 न्यूटन पर मीटर, बेटा गुणा भाग कर लोगे ठीक है, सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आंसर ही आएगा।
The maximum energy of deuteron coming out a cyclotron acceleration is operating accelerator is given as MeV, the maximum energy of the proton. देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रेशियो होता है चार्ज का वो कितना होता है, 1:2 का रेशियो होता है. तो यहाँ पर अब ये कितनी एनर्जी से एक्सेलेट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 80 MeV से, क्योंकि यहाँ पर 40 था. A long hollow conductor tube carrying a current has two sections A and C of unequal cross section joined by the conical section B. 1, 2 and 3 are the points of the line parallel to the axis. Then the magnetic field at point 1, 2 and 3 having magnitude. अब देखो यहां पर जो भी करंट जा रही है, एक्सिस हमारे पास ये है, करंट भले इसमें जा रही है तो ये हमारे पास जो पॉइंट है इस एक्सिस से, सारे पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, सेम करंट है. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, ध्यान रखिएगा. A thin wire placed coaxially inside a long hollow cylinder, cross section of wire shown in the figure. The current is coming out from both. यहां से भी current की direction क्या है, outward है, और यहां से भी जो current की direction है वो क्या है, outward है. दोनों में current की direction same है. जब दोनों में current की direction same होती हैं, so there will be force of attraction. तो जब force of attraction होगा तो क्या होगा, this will be contacted. This will be contacted. Next, which of the following likely have a largest resistance? किसमें resistance सबसे ज्यादा होगा? देखो अमीटर हैविंग रेंज 10 एम्पियर, इसमें तो सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम होगा. वोल्टेज किसमें सबसे ज्यादा है, वोल्ट मीटर रेंज, ये हमारे पास आएगा 100, सॉरी कितना आएगा, 10 वोल्ट वाला रेंज सबसे ज्यादा होगा. इसका रेजिस्टेंस, लार्जेस्ट रेजिस्टेंस की बात करवा रहा है. A magnetic needle having negligible width and thickness as compared to its length oscillate horizontal plane with a time period t broken in n equal parts. यहाँ पर क्या जाएगा, t by root n, ठीक है, ये आपने थ्योरी में कर रखा है ऑलरेडी, और अभी इसी पर एक पीछे न्यूमेरिकल भी आया था. Three similar bar magnets are placed to form an equilateral triangle as shown in the figure. The magnetic moment of each of the magnet is capital M. What is the magnetic moment of the system? देखिए, इस पूरे सिस्टम का हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो ध्यान से बात देखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल होती है. तो साउथ टू नॉर्थ पोल के लिए हमारे पास ये, हमारे पास ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गया कैपिटल एम, राइट, ठीक है. अब एक हमारे पास ये बना, एक ये बना, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और एक ये बना मैग्नेटिक मोमेंट. अब इसके पैरेलल एक वेक्टर, इसके पैरेलल यहीं से पे खींच दो वेक्टर, तो ये क्या हो गया, ये आ गया कैपिटल एम,
तो अब इस वाले और इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 120। अब जो 120 है तो इनका इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, कैपिटल एम आएगा, और कैपिटल एम और ये कैपिटल एम ये दोनों एक ही डायरेक्शन पर हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 2। आंसर फोर्थ विल बी करेक्ट। A magnetic moment M having an atom is depends on the principal quantum number. Principal quantum number पर हमारे पास किस तरीके से magnetic moment depend करता है, ये हमारे पास किस पर depend करता है, that is equal to just, इसमें जो magnetic moment होता है capital M होता है E H upon 4 pi M to N, तो M proportional to क्या आ गया, आंसर क्या होगा फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ए मैग्नेट इज पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेटेड बाय सिक्सटी डिग्री, द वर्क डन इज 0.8, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग इट 30 डिग्री फर्दर। तो देखो पहले हमने क्या निकाला, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो पहले कहां से कहां तक जा रहा, 0 to 60, तो कर लो W इज इक्वल टू कितना हो गया एम बी कॉस 60 माइनस कॉस 0, कॉस 60 विल 1/2 और ये 1, तो कितना आ गया कॉस 0 माइनस कॉस 60, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया एम बी 1 माइनस 1/2, ये W इज इक्वल टू क्या आ गया एम बी बाई 2। अब आगे चलो, अब ये क्या कह रहा है, आगे वो रोटेटेड 60 डिग्री पर था पहले और अब 30 डिग्री फर्दर कर दिया गया, मतलब अब हमें 60 से कहां चले गए 90 पर चले गए, तो W डैश इज इक्वल टू एम बी कॉस 60 माइनस कॉस 90, और cos 90 की वैल्यू क्या है 0 है, तो W डैश इज इक्वल टू एम बी कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2 माइनस 0, तो W डैश इज इक्वल टू क्या हो गया एम बी बाई 2 एम बी बाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया, देख लो 0.8 जूल आया, अब इसको अर्ग बदल लो, हमारे पास क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जूल में 0.8 जूल कहीं दिया नहीं है, दिया है नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या दिया, दिस इज इक्वल टू 0.8 जूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, two isolated point poles of strength 30 ampere meter and 60 ampere meter are placed at a distance of 0.3 meter, then the force of repulsion. देखो force of repulsion का जो formula होगा ये कितना होगा, F is equal to mu naught upon 4 pi
एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया 10^-7। एम वन कितना है 30, एम टू कितना है 60, और ये कितना हो गया 0.3 का स्क्वायर, तो 0.3 × 0.3। अब इसको हटाया 0.3 को, 0.3 हटाया तो ये आ गया 100, 100 हटाया तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 3, 10 आ गया। अब 3 काटो यहाँ का 20 आ गया, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो कितना हो गया 2 × 10^-3 न्यूटन। तो 2 × 10^-3, और देखो बेटा ढूंढो कहाँ पे है, इसमें दिया हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट, ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आइडियल बैटरी, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज डबल देन द डिफ्लेक्शन। अब देखो जब यहां पर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा, ये होता है, ठीक है। अब देखो अब इसे अपने कोई लेना देने नहीं, मतलब एन आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया टेन थीटा। यहां पर हम लोग जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जब लेंथ बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट क्या होगी कम होगी, तो ओवरऑल एन और आई का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट देखिए, ए बार मैग्नेट हैविंग लेंथ एल, एक ये बार मैग्नेट था जिसकी लेंथ एल है, अब इसको बेंट किया गया, इस आर्क में बेंट कर दिया गया, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस हमें चाहिए तो हमारे पास देखो क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास आ गया आर साइन 30 और ये हो गया आर साइन 30, आर साइन 30 आर साइन 30 मिलकर क्या आ गया 2R sin 30 मतलब क्या हो गया 2R × 1/2, ये हमारे पास आ गया आर, मतलब स्वाभाविक सी बात है अगर ये आर है ये आर है तो ये आर होगा। अब देखो अब अपने को निकालना क्या था, टोटल बात, ये जो टोटल पोर्शन है अगर टोटल सर्किल होता तो क्या होता 2πr होता, लेकिन ये इसका कौन सा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है, कितनी लेंथ का l लेंथ का, तो 2θ r इज इक्वल कितना हो गया l अपॉन पाई r, r इज इक्वल टू ये नहीं, r इज इक्वल कितना हो गया 3L अपॉन पाई, ठीक है 3L अपॉन पाई। अब देखो यहां से ये टोटल हमारे पास कितना था, ये R हमें मालूम हो गया, R कितना आ गया 3L अपॉन पाई आ गया, तो कैल कर लो भैया 3L अपॉन पाई, R की वैल्यू क्या होगी 3L अपॉन पाई, 3L अपॉन पाई इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया लेंथ, तो कितना आ जाएगा,
स्मॉल एम इंटू एल बराबर कैपिटल एम था, अब यहां पर क्या हो गया, एम डैश हो गया हमारे पास एम इंटू आर, तो एम इंटू थ्री एल अपॉन पाई किया, तो एम इंटू एल को कैपिटल एम लिख सकते हैं, तो थ्री एम अपॉन पाई आ जाएगा आंसर नंबर फोर। नेक्स्ट, इक्वल करंट आइज फ्लोइंग इन थ्री इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0, 0, -a। तीन वायर हैं, तीन वायर हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें करंट ऐसे फ्लोरी, इसमें करंट ऐसे फ्लोरी, इसमें करंट ऐसे फ्लोरी। निकालना हमको कहां पर है, हमें निकालना है जेड एक्सिस पर। तो जेड एक्सिस पर जो हमें निकालना है तो किसकी किसकी वजह से आएगा, एक एक्स एक्सिस की वजह से आएगा और एक वाई एक्सिस की वजह से आएगा। एक्स एक्सिस से वो पॉइंट क्या है, माइनस ए डिस्टेंस पर है, मतलब ए डिस्टेंस पर है, तो हमने क्या कर लिया, ऐसे कर लिया, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब देखो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए, और बी टू हमारे पास क्या आ गया, ये भी वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए। यहां पे करंट की डायरेक्शन इधर थी इस तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर है। जेड एक्सिस की हम बात करें, हम बात किधर कर रहे हैं, जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो जब जेड एक्सिस की बात होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसके लिए क्या आएगा, एक में आ जाएगा जे इकाई कैप और एक में क्या आ जाएगा आई कैप, एक में क्या आ जाएगा जे कैप और एक में क्या आ जाएगा आई कैप। नेक्स्ट, इलूपा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज प्लेस इन ओरिएंटेशन ऑफ अनस्टेबल पोजिशन इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्सटर्नल वर्क डन इज रोटेटिंग थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है और द एक्सटर्नल वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एम बी वन माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज वन अपॉन एट ऑफ दैट ऑफ द सेंटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहां पर जो सेंटर पर होता है बी इज इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और इसका ये कितना है 1/8 पार्ट है, और बी एक्सिस पर कितना है, ये सेंटर पर है, बी एक्सिस पर कितना है, ये हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर, ये पावर कितना हो गया 3/2। अब इन दोनों को देख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू टू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, ठीक है, ये 2 है, यहां पे इस 2 से 2 क्या क्या आ गया, इसको इस तरफ ले आओ, 1/8 इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2, क्यूब रूट ले लो, जब क्यूब रूट ले लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 आर आ जाएगा, ठीक है, तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 1/2 इज इक्वल टू
टू आर, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वेयर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर रूट थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर रूट थ्री। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, द फिगर शोज थ्री आइडेंटिकल करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप, करंट इन ईच इज आई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से अंदर, यहाँ पर इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से अंदर। यहाँ पर देखो इस वाले में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से अंदर, इसके कहीं यहां पर जीरो नहीं होगा। यहां पर देखो इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से बाहर, यहां पर इसकी वजह से अंदर, इस वाले की वजह से बाहर, और इस वाले की वजह से अंदर। तो यहां पर हमारे पास सी की वजह से क्या होगा, सी की वजह से जीरो होगा। तो बी इज जीरो ओनली इन केस ऑफ सी। बी इज जीरो ओनली इन केस ऑफ सी। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन के हिसाब से अपने को चलना है, क्योंकि डायरेक्शन अगर गड़बड़ होगी तो फिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है क्वेश्चन, ए हॉलो सिलेंडर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। एक ये हॉलो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है एंड कैरिंग यूनिफॉर्म करेंट पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो करंट है वो लैम्डा है। अलोंग द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस में से करंट फ्लो रही है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि यहां पर एन आई अपॉन एल की जो वैल्यू है वो कितनी है, लैम्डा। एन आई अपॉन एल की जो वैल्यू है वो है लैम्डा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, यहां पर कितना जाएगा, ये हमारे पास ऐसे राउंड घूम रहे हैं, यहां पर आपको निकालना है बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई होता है, तो बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई, ये एक्चुअल हो गया एन, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन आई। तो ये हमारे पास सीधा सीधा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेमडा। तो बी इज इक्वल कितना हो गया, बी इज इक्वल हमारे पास हो गया म्यू नॉट इनटू लेमडा, आंसर हो गया सेकंड, आंसर क्या हो गया सेकंड। ए रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ प्लस क्यू इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग चार्ज रिंग, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग चार्ज रिंग। देखो एम इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू आई इंटू होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, तो क्यू टी के जम क्या हो गया टू पाई आर अपॉन वी, तो क्यू वी अपॉन टू पाई आर, v के जगह में क्या हो गया r ओमेगा, q r ओमेगा अपॉन 2 पाई r, इससे कट गया
तो क्या आ गया क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई, ये हो गया क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई। अब यहां पे वैल्यू रख दो तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, क्या गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन टू, तो ये आंसर बन जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मेडिफिल इन फोर डिफरेंट सिचुएशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको लिखना है। तो U इज इक्वल टू आपको मालूम है माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, यहां पर थीटा हमारे पास क्या आ गया पाई, तो कॉस थीटा क्या हो गया माइनस वन, तो U बराबर कितना हो गया एम बी, ये फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड केस के लिए दोनों बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो U जो सेकंड केस आया इसमें क्या हो गया, ये हो गया 90। इसमें थर्ड केस है यहां पर थीटा लेस देन 90 है, यहां पर U कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, यहां पर ग्रेटर देन 90 है, यहां पर U कैसा आएगा थीटा हमारे पास कैसा आएगा थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, मतलब U की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, U की वैल्यू यहां पे निगेटिव आएगी और यहां पर U की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पर जब हम लोग देखेंगे तो पहले आपका किस में आएगा और फिर बाद में किस में आएगा। तो फर्स्ट का सबसे ग्रेटर है, उसके बाद सेकंड ये फोर्थ का है, उसके बाद फिर सेकंड का आया जीरो, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी सेकंड में जीरो आ जाएगा ना, और उसके बाद क्या आया थर्ड का आया, तुम्हारे पास आंसर आएगा थर्ड। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स विद वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 3i plus 4j plus k cap and electromagnetic field given as E 3i plus j plus 2k and i plus j minus 3k, then what is the y component of the force? तो पहले हम लोग v निकाल लें, E is equal to E दिया है B दिया है, electromagnetic field are given by, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे क्या करना है, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, V क्रॉस B, देखिए हम लोग I J K ऐसे लिखेंगे, V क्रॉस B, V की वैल्यू लिखेंगे 3 4 1 और इसके लिखेंगे 1 1 एंड -3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो X कंपोनेंट आएगा फोर्स का, फिर Y कंपोनेंट आएगा, फिर Z कंपोनेंट आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन है और ये हमारे पास आ जाएगा 11Q।
A current I is flowing in the loop as shown in the figure. The magnetic field at the center O. यहां पर और यहां पर, यहां पर देखिए दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड है. ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये आर रेडियस का 3/4 पार्ट है. तो बी वन इसकी वजह से कितना होगा, बी वन इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R का 3/4 पार्ट. और डायरेक्शन क्या रहेगी, अंदर की तरफ. बी टू ये हमारे पास ये वाला पार्ट है, ये कितना पार्ट है, इस पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है 2R रेडियस का. तो 1/4 पार्ट है म्यू नॉट आई अपॉन 2R की जगह क्या होगा यहाँ पे 2R. और ये भी क्या है, ये भी अंदर की तरफ है. तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे. B इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू. B इज इक्वल टू क्या आएगा, बी वन प्लस बी टू. और दोनों जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई बाई 8 आर आएगा यहाँ पर. और यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 16 आर आ जाएगा. ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा. नेक्स्ट, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 10^-5 वेवर पर मीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर. ठीक है, 10^ चालक में बहने वाली धारा अपने को कैलकुलेट करनी है. तो इनफाइनाइट के लिए बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू होती है 2 × 10^-7. और बी कितना है, बी है 10^-5. ये हो गया 2 × 10^-7. आई कितना दिया हुआ है आपको निकालना है, और आर कितना दिया हुआ है, 10^-10 × 10^-2. ये 2 5, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 एम्पियर. आंसर चेक करो बेटा कौन सा है, आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट देखिए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस कैरीज द करंट आई इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई करंट जा रही है, ये मान लिया करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे. द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट ए पॉइंट एट द कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई. अब ये एक्स पर पूछ रहा है, जैसे है एक्स एक्सिस इधर हो गई, वाई एक्सिस इधर हो गई, एक्स पर पूछ रहा है और वाई पर पूछ रहा है. ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो कितना बनेगा, इस पर कोई पॉइंट हो गया ये एक्स और ये हमारे पास वाई. अब जब यहां पर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और जब यहां पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी. ठीक है, इन दोनों की वजह से हमारे पास वैल्यू निकालेंगे. इनफाइनाइट है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. बी इज इक्वल टू करंट अंदर की तरफ है, हमें यहां पे निकालना है y एक्सिस पर. ऐसे समझो
करंट यहां पे नीचे की तरफ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, करंट इस तरफ है और आपको यहां पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है, ध्यान से देखो इस तरफ। करंट हमारे पास ये है, अब यहां पर करंट की डायरेक्शन ये है इस तरफ और आप यहां पे निकालना चाह रहे हो, तो ये किधर जा रहा, माइनस जे की तरफ जा रहा, किधर जा रहा, माइनस जे की तरफ जा रहा। तो जब एक्स वाले पे जा रहे हो तो माइनस जे, और जब वाई वाले पे जा रहे हो तो किधर जा रहा है, प्लस आई की तरफ। तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, यू नॉट आई वाई बाई वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर अंडर द एक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। तो जो बी दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.4 टेस्ला, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू दी हुई है आपको कितनी, 200 वोल्ट पर मीटर। फाइंड द चार्ज अपॉन मास, मतलब क्यू अपॉन एम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या दी है, मैग्नेटिक फील्ड दी है बेटा 0.4 टेस्ला, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये कैंसिल हो गया, वी इज इक्वल टू कितना हो गया, ई अपॉन बी, ई का मान क्या है 200 अपॉन बी का मान क्या है 0.4, ये कितना आ जाएगा 500, वेलोसिटी क्या आ गई 500। अब आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, तो अब चार्ज अपॉन मास क्यू अपॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर बी, वी कितना आ गया 500 अपॉन आर कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻², और बी कितना है 0.4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5/4 × 10⁵ कूलाम पर किलोग्राम। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट। तो ये तो बेटा आपका ये जो टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 12 है ये पूरा आप कंप्लीट हो गया। आप अच्छे से एक बार इसको देखिए, जो क्वेश्चन आप एग्जाम में ना कर पाए हो उनको आप एक बार फिर से ट्राई कर दिए, ठीक है। और जो भी अभी आपका बाकी सारी चीजें चल रही हैं, जैसे अभी बायो केम का डीटीएस चल रहा है, जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह और जो भी चल रही हैं, उन पर आप विशेष तौर पे फोकस करिए, ध्यान रखिए। ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।